नमस्कार दोस्तों, रियल फार्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में ऊना के बारे में आपको एक छोटी सी जानकारी देने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 2-3 मिनट की वीडियो है, लेकिन इसमें जो ऊना का एक भाई है वो अपने मुँह से खुद जो बता रहा है उसको बड़ा ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग बात है और एक एक बात बहुत ध्यान से सुनने वाली है, क्योंकि ऊना में जो बुआई पहले हुई थी अब वो बुआई वहाँ पर आलू कुछ सड़ने लगा है, तो जिसकी वजह से वो दोबारा बुआई हो रही है वहाँ पर, तो उनकी बात थोड़ा ध्यान से सुनना। तो और वीडियो अच्छी लगे तो यार इसको लाइक या काफ़ी लोगों के पास शेयर भी कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम खड़े हैं जिला ऊना हिमाचल प्रदेश में। आलू की बुवाई चल रही है ऊना में। बुवाई की बात करें तो ऊना में लगभग 1 तारीख से बुवाई शुरू हो गई थी और अभी 60 से 70% बुवाई ख़त्म हो चुकी है आलू की। तो जो 100% बुवाई का एस्टीमेट डेट है कि 100% बुवाई ऊना की लगभग 16 से 17 तारीख तक ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से कुछ बुवाई चल रही है। ये जो वैरायटी है ये पुखराज है, ऊना में लगभग 95% आलू पुखराज वैरायटी का ही लगता है। बारिश की ज़रूरत पर बारिश पड़ नहीं रही, थोड़ा मौसम गर्म है। मौसम गर्म होने की वजह से आलू सड़ने की शिकायत भी आई है कई जगह में, तो जहां आलू सड़ा है वहां दोबारा बुवाई हो रही है, जिसके कारण आलू की खुदाई में थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है। जो जिन्होंने 5 तारीख से पहले पहले लगाए हैं उनकी आलू की सड़ने की शिकायत आ रही, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा गर्म था और बारिश हो नहीं रही थी। जो अभी आलू लग रहा है ये आलू सही रहेगा, ये आलू नहीं सड़ेगा, तो लगभग रख लो आप 10 नवंबर तक आलू मार्केट में अच्छा आना शुरू होगा, उसके पहले आलू नहीं आएगा। तो ये थी आलू की जानकारी ऊना की। और होशियारपुर भी ऊना से लगभग 10 दिन लेट चलता है, थोड़ा 10-15 दिन का फ़र्क होता है और ऊना होशियारपुर में। होशियारपुर की बुवाई भी लगभग आप रख लो कि 25 तक शायद ख़त्म हो जाएगी, तो ऊना का आलू आएगा उसके 10 दिन बाद होशियारपुर का आलू मार्केट में आना शुरू हो जाता है। और ज़्यादा आलू की वैरायटी पुखराज ही है। सो ये थी आलू की जानकारी ऊना की। अगर कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।